भोटा चैरिटेबल अस्पताल को कोविड-19 सेंटर को हटाने की मांग को लेकर डीएम हमीरपुर से एक प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर को इसके बारे में पत्र लिखकर गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक चैरिटेबल अस्पताल बोडक को कोविड-19 सेंटर से नहीं हटाया गया है, जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल ने डीएम हमीरपुर से गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों को भोटा से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और भोटा राधा स्वामी अस्पताल की ओपीडी को खोला जाए। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द अस्पताल की ओपीडी को नहीं खोला तो 31 जुलाई को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरे साथ तकरीबन 10 पंचायतों के प्रधान पधारे हुए हैं। हम सब डीसी साहब से मिलना चाहते थे कि भोटा का जो राधा स्वामी हॉस्पिटल है इसको अभी रिलीज किया जाए, क्योंकि वहां एक आधा पेशेंट आता है कभी कभार और कभी कोई भी पेशेंट नहीं होता। यहां जो डेली एवरेज पेशेंट आउटडोर पेशेंट आते थे वो 500 से और 700 के बीच में आते थे, और पिछले 6 महीने से कोई पेशेंट वहां पे नहीं आ रहा है। पूरा हॉस्पिटल लॉकडाउन कर दिया है और सारे डॉक्टर्स ब्यास भेज दिए गए हैं, जिसकी वजह से 10 किलोमीटर रेडियस में जो भी गरीब परिवार हैं, गरीब लोग हैं, जो कि फ्री की दवाइयां, फ्री एडमिशन, फ्री सब चीज मिलती थी, वो सफर कर रहे हैं सिर्फ एक या दो कोरोना पेशेंट के लिए। तो हमारी डीसी साहब से और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि इनको कोरोना पेशेंट कहीं और जगह रखें और इस हॉस्पिटल को दोबारा से चालू करें, और इसको ताकि वो लोग जो हैं वो सफर ना करें और गरीब लोग, हिमाचल की गरीब जनता जो है उनको थोड़ी राहत मिले। हम लोग गए थे डीसी साहब से मिलने, हमारे प्रधान जी गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी मेरे साथ अभी नहीं मिल सकता, और उन्होंने डायरेक्ट किया, रीडायरेक्ट किया कि एडीसी साहब को आप अपना मेमोरेंडम वगैरह दे दे। तो हमने उनके पास दे दिया है, लेकिन हमें फिर भी इस चीज का मलाल है कि एक मिनट के लिए अगर डीसी साहब हाल में आ जाते, हम प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। लेकिन अब जैसे डीसी साहब नहीं माने तो नहीं माने। बीमार हुआ, हार्ट अटैक हुआ मुझे, कैप्टन पूर्ण चंद अठवार, मैं रहा कोठी में, 2-3 बाद एडमिट हुआ, और वहां पर एडमिट होने पर जो 2 दिन बाद मुझे अटैक पड़ा, तो जहां जहां जाने के बाद फटाफट मुझे ट्रीटमेंट मिलता था, एडमिशन मिल जाती फटाफट। उसके बाद जब कोई चारा नहीं चला मैं चंडीगढ़ कोठी में गया, और कोठी वाला मुझे इनकार करते भाई आप बिल्कुल नहीं आ सकते, तो हम डीसी साहब रिक्वेस्ट करते कि कहा जाए तो कहां जाए, मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है, तो आप से रिक्वेस्ट है, सबसे डीसी रिक्वेस्ट है इस जल्दी जल्दी हॉस्पिटल को खुला, ताकि मेरे जैसे 100 आदमी और भी ऐसे ही हैं जो ऐसे ऐसे घूम रहे धक्के खा रहे। कार्य क्षेत्र में जो आधार पंचायत आती है उसी के अंतर्गत भोटा राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल जो उसके अंतर्गत आता है। मैं पहले तो इस संस्था को जोरदार तरीके से बधाई देना चाहता हूं, जो राधा स्वामी चैरिटेबल संस्था है, इस संस्था ने जितना भी राधा स्वामी का पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी इनके संस्थान थे, इन्होंने कोविड-19 के अंतर्गत प्रदेश भर की जनता की सेवा के लिए वो जो था वो डोनेट किए, वहां पर उस माध्यम से जो था वो बिना किसी लाग लपेट के इन्होंने वहां पर कोविड-19 के पेशेंट को जो है वो हेल्प की। 6 महीने से कम ये संस्था जो है वो वहां पर गरीब और मजबूर लोगों की सेवा कर रही है। लेकिन जहां तक प्रश्न भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल का है, वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त हमें हमारे आम जन को यह आ रही है, क्योंकि जहां पर ये हॉस्पिटल स्थापित है वहां का 20 किलोमीटर का एरिया चारों दिशाओं का 80 किलोमीटर का एरिया बनता है, वहां के पेशेंट जो गरीब और मजबूर लोग हैं वो उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को ये जानकारी होगी कि वहां पर जो बाहरी हमें दवाई खरीदनी पड़ती है पेशेंट को, एक गरीब मजबूर आदमी को, तो वहां पर जिसकी कॉस्ट 100 रुपया होती है, वही चैरिटेबल हॉस्पिटल राधा स्वामी भोटा जो है वो वहां पर अंदर 40 रुपए में वो गोली एक गरीब और मजबूर असहाय व्यक्ति को जो है वो उपलब्ध होती है। और वहां पर बहुत से जो लोग आपने देखा होगा, हमारा जो हमीरपुर हॉस्पिटल है
आज के लिए मेडिकल हॉस्पिटल है हमारा यहाँ पर दुनिया भर की भीड़ इन क्षेत्रों की हुआ करती थी जब ये राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल हमारे भोटा में नहीं हुआ करता था। लेकिन आज देखने में आता है जब भी कोई व्यक्ति है वो वहां पर ट्रस्ट करता है क्योंकि वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था, वहां के लोगों का अंदर का व्यवहार ऐसा नहीं है कि हमारे अन्य हॉस्पिटलों में ये चीजें होती हैं, वहां भी ये चीजें होती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां पर एक प्रेरणादायक जो है वो स्थान है जहां से लोगों को मुख्य मांग हमारी ये है कि जैसे कोविड-19 में वहां पर वो सेंटर दिया हुआ था तो हम ये चाहते हैं आमजन की ये बात है जो आपसे लोगों ने भी बात रखी है, यहां प्रमोदपुर लोगों ने बात रखी है कि वहां पर उस केंद्र को जो है वो अब अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि वहां पर जो गरीब और असहाय जो लोग हैं, जो लोग अपना इलाज जो है वो महंगे दामों पर नहीं करवा सकते हैं उन लोगों को, पर वहां पर जो है जो निःशुल्क सेवा, जो मात्र थोड़े से शुल्क में जो सेवा मिल रही है और लोग वहां पर ठीक हो रहे हैं उन लोगों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार और डीसी महोदय से भी मेरा यह निवेदन है कि वहां पर उस कोविड सेंटर को जो है अन्य क्षेत्र पर जो है वो स्थानांतरित किया जाए ताकि वो 80 किलोमीटर के एरिया वो गरीब असहाय लोग जो है वो वहां पर मजबूरी में जो है वो अन्य जगह पर जाके मुंह मांगे दामों पर उनको इलाज ना करवाने पड़े और उनको शॉर्टकट कम पैसे में जो है वहां पर अच्छा इलाज मिले, यही मेरी सरकार और प्रशासन से मांग है। मैं आप पत्रकार बंधुओं का अवगत करवाना चाहता हूं, उस वक्त जब भी कोई व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार जो विरोध की बात थी, समाज में एक हिस्सा विरोध वाला भी रहता है, एक हिस्सा जो है वो उसको अच्छा बोलने वाला भी रहता है, ये हमारी समाज की नियति रहती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 6 महीने से वो सेंटर चला हुआ है, लेकिन अब जो आमजन को वहां पर दिक्कत आ रही है उसी दिक्कत के मद्देनजर मैं आपसे बात रख रहा हूं कि अब वहां पर सरकार से निवेदन है कि वहां पर जो भी 2 या 4 या 3 लोग वहां के पेशेंट आ रहे हैं कोविड-19 के, उनको अन्य कहीं इसे ऐसे स्थान पर शिफ्ट किया जाए। हम ये नहीं कहते वो भी हमारे अपने भाई है, उसको ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहां पर जो है पूरी जनता क्षेत्र की 80 किलोमीटर का दायरा जो है वो बाधित ना हो।